जानिब से हम निवेदन देने के लिए हमारे सभी पदाधिकारी कलेक्टर को निवेदन दिया है। हमको ये प्रशासन पर और सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर सामने आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गवाह रखकर हमने निवेदन दिया है। हमको पता है इस निवेदन का कुछ भी होने वाला नहीं, वो कचरे की टोपली दिखाने लगे उसको निवेदन को। और ये प्रशासन जो है जानबूझकर मुस्लिम समाज को तकलीफ दे रही है। शासन को और प्रशासन को सब पता था कि विशालगढ़ में जो होने वाली घटना एक 15 दिन पहले पता थी उनको होने वाला है बोलकर। पुलिस के सामने दिन दहाड़े मस्जिद को तोड़ा जाता है, कुरान शरीफ को जलाया जाता है, मस्जिद में पेशाब किया जाता है, गंदी हरकत की जाती है, औरतों को गलत काम किया जाता है, घरों में सोना लुटा जाता है और प्रशासन देखते रहता है। हमारी ये बर्दाश्त की हद खत्म होते जा रही है। ये बर्दाश्त क्योंकि अल्लाह ताला ने देखा ये सत्य की मस्ती है, इनको सत्य की मस्ती करके इस तरह के से हमारे हल्ले कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा पता चल रहा है जरांगे पाटिल जो कर रहे हैं ओबीसी का आरक्षण के लिए, ये जरांगे पाटिल कहीं ठहरा करने के लिए ये जो हमारे जो शाहू महाराज ये अपना अलग फंडा कर रहे हैं, ये वातावरण बिगाड़ने के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है क्योंकि अच्छे अच्छे इस्लाम तो ना संभाजी महाराज जो करे जो खड़े संभाजी महाराज जो कहे, मेरा बोलने का मतलब इतिहास काढ़ो, तुम मुसलमानों को इतिहास काढ़ो, ऐसे बहुत सारी जंग बहुत सारी हो गए लेकिन इतिहास को भूलो मत, तुम हमारे बर्दाश्त को भी तुम भूलो समझो। हम कहते हैं कि हम सब हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज कभी मुसलमान को नाराज नहीं किए, वहाँ मंदिर भी बनाए मस्जिद भी बनाए लेकिन सबको लेकर काम किया है। ये कुछ चंद लोग थोड़े लोग है ये, इनकी जो भावना जो है अखिल की संगठना जैसे तैयार हो गई, इनकी भी एक संगठना तैयार हुई, ये जानबूझ के मुसलमानों को हल्ले कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बर्दाश्त करने वाले नहीं, इसका प्रशासन अभी ध्यान दे बस।